चलिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में हमने आप फर्स्ट सेक्शन में देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो पार्ट थे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनको हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब बात आती है इंडोथर्मिक रिएक्शन के कुल कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ेगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा पार्ट कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, व्हेन एन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी एलिमेंट जिस अनदर एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट से हाई रिएक्टिव होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर जिंक कॉपर सल्फेट के सोलूशन में रख दिया जाए, जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सोलूशन में रख दिया जाए, तो कॉपर सल्फेट सोलूशन का जो कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका होता है और कॉपर उसमें से रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर कॉपर सल्फेट के सोलूशन में अगर जिंक रॉड डाल दी जाए, तो कॉपर जो होते हैं निकल करके जिंक की प्लेट पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इस बात को समझ में आया है? यानी जिंक हाईएस्ट रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव। इसको मैं आपको इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में हैं, कॉपर आपका मित्र है और सल्फेट आपका मित्र और आप कॉपर के साथ बैठे हुए हैं, तो कॉपर और सल्फेट की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। यहाँ पे कोई भी दो मित्र, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी। अचानक प्रिंसिपल सर आते हैं किसी बच्चे को लेकर के और कहते हैं वो आज से यहाँ बैठेगा। सर सी बात है, कॉपर को पीछे जाना पड़ेगा और जिंक उसकी जगह पर बैठ जाएगा। यानी जिंक जो है जिसकी रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल सर के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ आया तो वो उसकी रिएक्टिविटी की वजह से वो इंक्रीज करेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर एक मेटल की रिएक्टिविटी दूसरे मेटल की रिएक्टिविटी को हम लोग सीक्वेंस में लर्न कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, यही क्रम है। यहां पर पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव है और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, इसके बाद प्लैटिनम भी है लीस्ट रिएक्टिव है। और यही वो क्रम है कि जो और जिसकी रिएक्टिविटी तो हर एलिमेंट अपने से लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उनके किसी कंपाउंड से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बस सिंपल से यही मतलब है। कहने मतलब अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे अगर आप लेड का रिएक्शन कराना चाहते हैं किसके साथ, क्यू प्लस क्लोराइड के साथ कराना चाहते हैं,
तो क्योंकि आप देख रहे हैं लेड कॉपर से बहुत पहले है, इसका मतलब का लेड कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और ये बनेगा PbCl2 और बनेगा सिंपल। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके जगह से रिप्लेस कर देता है तो ऐसे सभी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जान लीजिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है व्हेन टू एटम और ग्रुप, टू एटम और ग्रुप आर एक्सचेंज देयर प्लेस बाई सिंपल आयन एक्सचेंज मेथड कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ना, जैसे कोई कंपाउंड ए बी है और वो एक करता है सी प्लस सी डी से रिएक्शन करता है, तो केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड होगा वो निगेटिव होगा। तो जब ये प्रोडक्ट रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो सिंपल से अपने आयनों में को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, यानी ये रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा ए डी और ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा सी डी। तो चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। जैसे मैंने आयन एक्सचेंज का मेथड दिखाया था तो उसके कोई एग्जांपल बताऊंगा। तो इसके एग्जांपल में अगर सोडियम सल्फेट अगर रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से, तो हम सभी जानते हैं इस पर कौन सा चार्ज है प्लस, इस पर कौन सा चार्ज है माइनस, इस पर कौन सा चार्ज है प्लस, इस पर कौन सा चार्ज है माइनस। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये सीधे रिएक्शन करता है इनके साथ तो क्या बनेगा 2NaCl, ये रिएक्शन करता है इनके साथ क्या बनेगा BaSO4। बस समझे, तो इस प्रकार से ये अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके साथ एक और देख लीजिए लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब ये इनके साथ कंबाइन करते हैं तो याद रखिए ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ AbI2 और ये इनके साथ तो ये बनेगा K2NO3। तो इस प्रकार से ये सिंपल से आयन एक्सचेंज मेथड से ये अपने अपने सिंपल सिंपल प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब बात आती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल हैं। सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा क्या कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।